आप अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को ओपन करते हो तो ये होता है इंस्टाग्राम का फीड सेक्शन। यहाँ पर जितनी भी स्टोरी होती है एंड जितनी भी पोस्ट होती है, जितनी भी वीडियो होती है, वो एकदम से लोड हो जाती है। ऐसे में इंस्टाग्राम ओपन होते ही जैसे ही वो लोड होती है, आपके मोबाइल का 50% डेटा एकदम से उड़ जाता है इसमें। मतलब बहुत ज़्यादा डाटा एकदम ये कंज्यूम कर देता है जैसे ही आप इंस्टाग्राम को ओपन कर दो। यहाँ पर सभी स्टोरी जितनी भी लगी हुई होती है ना, आपने जितने लोगों को फॉलो कर रखा है सबकी स्टोरी यार सबका लोड हो जाता है। इसके अलावा सभी यहाँ पर पोस्ट वीडियो वगैरह जो भी होता है सब लोड हो जाता है, उसमें आपका एकदम से बहुत सारा डेटा यूज हो जाता है। एंड आप जैसे ही रील सेक्शन में आ जाते हो, यहाँ पर आप 30 से 40 मिनट वीडियो देख लेते हो, रील्स को ऐसे स्क्रॉल करते करते आपको मजा आ रहा है, ऐसे में आपके मोबाइल में 1 GB, 1.5 GB या 2 GB डेटा होता है, वो सारा कंज्यूम हो जाता है 30 से 40 मिनट के अंदर। अब आप अपने मोबाइल में पर्सनल काम भी नहीं कर पाते, आप परेशान हो जाते हो यार, मजे मजे में मैंने रील्स वीडियो देख लिया और मेरा सारा डाटा यहीं पर ख़त्म हो गया, अब मैं अपने मोबाइल के पर्सनल काम कैसे करूं। उसके लिए आपको दूसरों का हॉटस्पॉट ऑन करना होता है, भीख सी मांगनी पड़ जाती है ना, मतलब एम भी ख़त्म हो जाती है मोबाइल में। तो अब आपका डेटा ख़त्म नहीं होगा, मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताने जा रहा हूँ, अगर उसको ऑन कर लोगे तो आप पूरे दिन रील्स वीडियो देख सकते हो, आपका डेटा ख़त्म नहीं होगा और अपने मोबाइल में सभी पर्सनल काम कर पाओगे आसानी से। रील्स का भी मज़ा लोगे और अपने पर्सनल काम भी करोगे, आपका डेटा ख़त्म नहीं होगा। अब गाइज इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है ये वाला, अगर आपके पास अभी भी सेटिंग का ऑड इंटरफेस है, देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर विजिट करना है, देन 3 डॉट पर क्लिक करना है। गाइज यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी, ये न्यू सेटिंग आ गया है, मैं आपको न्यू सेटिंग में बता रहा हूँ। अगर आपके पास सेटिंग का ऑड इंटरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, ये वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वाला वीडियो देख लो, इसको यहीं पर स्किप कर दो। अगर आपके पास न्यू इंटरफेस है सेटिंग का, तो ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। सिंपली यहां पर आपको स्क्रॉल करना है, देन यहां पर आपको लिखा रहा है डेटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर ऊपर आपके सामने लिखा रहा है यूजलेस डाटा, देन यहां पर है डाटा सेवर। जैसे ही आप यहां से इसको ऑन कर दोगे, इसके नीचे लिखा है देखो व्हेन डेटा सेवर इज टर्न्ड ऑन वीडियोस वांट लोड इन एडवांस टू हेल्प यू यूज लेस डाटा। इसका कहने का मतलब है, मतलब जैसे ही आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हो सभी वीडियो लोड हो जाता है, स्टोरी वगैरह सब कुछ लोड हो जाता है, तो वो सब बंद हो जाएगा, उसमें जो होगा आपका डेटा बहुत ही कम यूज होगा, आपका डेटा बच जाएगा, फालतू की कोई भी स्टोरी वगैरह वीडियो वगैरह क्या होगा, मतलब लोड नहीं होगा। समझ में आ गया। अब यहां पर नीचे लिखा है हाई रेजुलेशन मीडिया, सिंपली जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वाईफाई ओनली मैंने यहाँ पर करके रखा हुआ है, अगर आप सेलुलर प्लस वाईफाई करोगे तो इसमें आपके मोबाइल के डेटा भी उड़ जाएगा, आपको खाली वाईफाई ओनली कर देना है। अब आप इंस्टाग्राम पर आपने खाली वाईफाई कर दिया ना, अगर आपके मोबाइल में वाईफाई ओपन है तो जितने भी मतलब जैसे आपका डाटा कंज्यूम होता है ना मोबाइल का, इसको डाटा सेवर को ऑफ करके, इतना ही आपका वाईफाई ऑन करके होगा, मतलब जो वीडियो वगैरह है वो सब एकदम लोड हो जाएगी अगर वाईफाई कनेक्ट है। अगर आपके मोबाइल का डेटा अनेबल है इस तरह से, मतलब आपने डाटा सेवर कर रखा है, तो आपके मोबाइल का जो डेटा है वो ज़्यादा खर्च नहीं होगा, बहुत कम होगा। एंड यहाँ पर आप रील सेक्शन में रील्स भी देखोगे ना अपने मोबाइल डेटा से, लो क्वालिटी में आपको इस तरह से शो होगा, हाई क्वालिटी में शो नहीं होगा। अभी मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, बिकॉज मेरा वाईफाई है तो मैं डेटा बहुत कम यूज़ करता हूँ। आपको आपके मोबाइल डेटा से, हाँ जी, अगर आप सिम यूज़ करते हो, उसका नेट यूज़ करते हो, तो आपको रील्स वीडियो लो क्वालिटी में शो होगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी सेटिंग है, यहाँ पर देखो नीचे लिखा रहा है मीडिया अपलोड क्वालिटी, अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, अगर इसको आप ऑफ रखते हो, अब आप कोई भी रील्स फोटो स्टोरी वगैरह पोस्ट करोगे वो लो क्वालिटी में अपलोड होगा। अगर आप इसको हाई कर दोगे तो अब आप कोई भी रील्स वगैरह कोई भी वीडियो वगैरह अपलोड करोगे वो सब हाई क्वालिटी में अपलोड होगा, मतलब एक लार्ज फाइल में वो अपलोड होगा। अगर इसको ऑफ कर दोगे तो वो स्मॉल फाइल बन जाएगा एक, मतलब आपकी रील्स के पिक्सल वगैरह भी फट सकते हैं अगर आप इसको ऑफ करके करते हो तो, लो क्वालिटी में वो अपलोड होगा, ऑटोमेटिक वो कंप्रेस हो जाएगा। इसके अलावा डेटा सेवर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो गाइस, डेटा सेवर को अगर आप ऑन करके अपनी रील्स को अपलोड करते हो तब भी आपका डेटा, मतलब आपकी
डेटा बचने वाला है, और हाँ आपका जो रील्स अपलोड होगा वो लो क्वालिटी में होगा, इसलिए इसको ऑफ करके और इसको ऑन रखना है। अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, अपनी रील्स को अपलोड करके इसके बाद आप इसको अनेबल कर सकते हो रील्स वीडियो देखने के लिए। आई होप आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा कैसे आपको न्यू सेटिंग में डेटा सेवर करना है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।